हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक बच्चों की स्किन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस स्किन डिसीज़ से परेशान रहते हैं। आज हम एम्पेटिगो एक स्किन डिसीज़ है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके लक्षण, कारण और ये किस वजह से, किन कारणों के वजह से ये स्किन डिसीज़ होने लगती है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा किसी भी तरह की यदि स्किन डिसीज़ होती है तो वो नमी के कारण होती है, और यदि हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस हमें संक्रमित कर देता है, जिसके कारण हमें स्किन डिसीज़ होने लगती है। जो इम्पेटिगो है ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये इम्पेटिगो डिसीज़ स्टैफिलोकोकस ऑरियस यह स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरिया बच्चों में सबसे ज़्यादा संक्रमित करते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल से लेकर ये 5 से 6 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये वाला। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ये चेहरे पर, ओंठ के ऊपर, नीचे साइड साइड में बहुत ज़्यादा ये बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं। कभी कभी ये चेहरे पर, फोरहेड पर भी, माथे के ऊपर भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें छोटे छोटे घाव टाइप के बनने लगते हैं, और घाव बनने के साथ साथ कभी कभी ये पीली पस टाइप की भी दिखाई देती है। वो पस तो नहीं होती है, लेकिन पीली पीली दिखाई देती है, और उसमें से पानी का रिसाव ज़्यादा होता है। उसमें जितनी जितनी जगह वो पानी लगता है, उतनी उतनी जगह ये और स्किन को संक्रमित करने लगती है। वो धीरे धीरे घाव बनने लगता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा ईचिंग की भी प्रॉब्लम होती है, जलन भी होती है, और सबसे मेन चीज़ होता है दर्द। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को शरीर में कहीं पर भी दर्द होने लगता है, सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, और खुजली बहुत ज़्यादा चलती है, जिसके कारण है ना बच्चों को फीवरिश होने लगता है, बुखार की प्रॉब्लम होने लगती है। तो बच्चों में दर्द होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा तकलीफ के कारण रोते हैं। यदि बच्चों में इस तरह का कोई छोटा सा भी लक्षण दिखाई दे रहा है, या बच्चों में एक छोटा सा घाव भी दिखाई दे रहा है, जिसमें पानी टाइप का पस टाइप का पीला पीला हो रहा है और उसमें से पानी निकल रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो वो धीरे धीरे जितनी जगह उसका पानी निकलता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये कभी कभी एक दूसरी कंडीशन भी होती है कि बड़े बच्चों में भी देखा जा सकता है, और बड़ों जो बड़े व्यक्ति होती हैं किसी रियर कंडीशन में, उनको भी हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि ये कभी कभी किसी कंडीशन में इस तरह हाथ में भी हो जाते हैं, पैर में भी देखे जा सकते हैं, लेग्स पे, या फिर इस तरह की जो हथेली होती है उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि चेहरे पर ही हो रहे हैं बच्चों के, लेकिन 90% ये इम्पेटिगो बच्चों के चेहरे पर ही होता है। बच्चों की जो मुँह के आजू बाजू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी बच्चे को इस तरह की एम्पेटिगो की प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे मेन चीज़ है कि उसके साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और नहाने के बाद में उसको तुरंत सुखा लें, मतलब पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि नमी रहेगी, पानी रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम दे सकता है, जिसके कारण बच्चों को किसी भी इसी तरह की नहीं किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सबसे मेन बात है, यदि महल्ले में, पड़ोस में किसी बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, घर में दूसरे बच्चों की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे से दूर रखें, ताकि आपके बच्चे को इस तरह की स्किन डिसीज़ ना हो सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोस में, ताकि इस तरह की स्किन डिसीज़ उनको भी पता चल सके, और उनके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।